दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो हम लोग 23 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 नंबर जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में जो पेडागोजी के 15 क्वेश्चन बचे थे उन्हें सॉल्व करेंगे। तो आप इससे पहले की वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण है। ए दिया गया है वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना। बी दिया गया है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए जाते हैं। सी है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशगत होते हैं। डी दिया गया अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएं खोजने में छात्रों की सहायता करना। तो इसमें से बताना है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यपुस्तक में मेंडल के प्रयोगों को शामिल किया गया है, इसका कारण है। ए बी सी डी में से बताना है, ठीक है। तो इसमें से ए वाला देख पा रहे होंगे, वैज्ञानिक पड़ताल के चरणों की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना, ये जो है करेक्ट होगा। बी दिया गया है छात्रों को सिखाना कि गुण एक पीढ़ी से दूसरी को संचरित किए गए हैं किए जाते हैं, ये नहीं होगा। सी है छात्रों का ध्यान आकर्षित करना कि कैसे गुण उत्तरोत्तर पीढ़ियों द्वारा वंशगत होते हैं, ये होगा। डी दिया गया अपने तथा अपने अभिभावकों एवं रिश्तेदारों के बीच समानताएँ खोजने में छात्रों की सहायता करना, ये नहीं होगा। यानी ए और सी जो है करेक्ट होगा। तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन ए में ही दिया गया है ए तथा सी, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, नाजली को गुड़ खाना पसंद है। दोपहर में जब उसकी मम्मी सो रही थी तो नाजली रसोई में गई और उसने मम्मी द्वारा छिपाई गई गुड़ की बरनी खोज ली। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है। ए दिया गया शास्त्रीय अनुबंधन, बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी है संज्ञानात्मक अधिगम, डी है यांत्रिक अधिगम। यह सीखने के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक उदाहरण है। तो इसमें से दोस्तों देखिए, शास्त्रीय अनुबंधन तो नहीं होगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, और सी है संज्ञानात्मक अधिगम भी नहीं होगा, यांत्रिक अधिगम है। तो बी और जो है डी वाला जो ऑप्शन है, बी और डी, ये किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी और डी ऑप्शन सी में दिया गया है। बी और डी, ये जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है। ए दिया गया है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, और यहाँ पे एक मिनट, वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का आवधिक मूल्यांकन, ठीक है। और बी दिया गया है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधी सपाठ्यचर्या संबंधी और पक्षों का मूल्यांकन, सी है अधिगम अंतरालों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, डी दिया गया क्षमताओं मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है इसमें से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सतत और मूल्यांकन अवधारणा के सतत पद से संबंधित है, ये बताना है। ए जो है वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का अधिक मूल्यांकन, ये होगा, ठीक है। बी है वृद्धि और विकास के पाठ्यचर्या संबंधित सपाठ्यचर्या संबंधी और पक्षों का मूल्यांकन, ये जो है नहीं होगा। सी है अधिगम मंत्रालयों का निदान और उपचारात्मक उपायों का प्रावधान, ये होगा। डी है क्षमताओं मनोवृत्ति और अभिरुचि का मापन, ये भी नहीं होगा। तो ए और सी जो है करेक्ट होगा, ऑप्शन डी में आप देख पा रहे होंगे ए और सी दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य विषय है। ऑप्शन ए में दिया गया संबंध, बी है पौधे, सी है कार्य एवं खेलकूद, डी है चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं। तो इसमें दोस्तों पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण का वह अध्ययन है जो संबंधित है हमारे पास पड़ोस से जिसमें हम रहते हैं। इसके अंतर्गत मूल विषय तथा उप विषय होते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मुख्य विषय है। चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चार जो है इसके उप विषय हैं और छः जो है मूल विषय हैं। मूल विषय में दोस्तों क्या क्या हैं, परिवार और मित्र है, चीज़ें जो हम बनाते हैं तथा करते हैं, भोजन, घर या आश्रय, पानी, यात्रा, ठीक है। ये सब जो है क्या है, मूल विषय हैं। और जो उप विषय हैं वो है संबंध, कार्य और खेल, जानवर और पौधे। तो यहाँ पे मुख्य विषय की बात की गई है, तो इसमें से यही है चीज़ें जो हम बनाते हैं, बाकी जो है आपके उप विषय हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ लोगों के विस्थापन पर है जिसका शीर्षक है हमारे लिए कोई स्थान नहीं, ये बच्चों को जानकर और संवेदनशील बनाने के लिए उद्देशित है। ऑप्शन ए में दिया गया है उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया है। बी है कि देश के विकास हेतु लोगों का विस्थापन आवश्यक है।
सी है कि शहरी लोग कूड़ा करकट उत्पन्न नहीं करते, शहर झुग्गियों के कारण गंदे हैं। डी दिया गया है कि एक बड़े शहर में ग्रामीण लोगों का जीवन बेहतर होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उन लोगों की पीड़ा के बारे में जिन्हें उनकी जन्मभूमि से विकास के नाम पर विस्थापित कर दिया गया। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन की कक्षा, यहाँ पे अध्ययन है आपका, अध्ययन की कक्षा तीसरी से पांचवी तक की पुस्तकों में डेरा चित्रों को शामिल करने की सर्वाधिक सटीक व्याख्या करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया। हम दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइपिंग में जो है मिस्टेक हुआ है, काफ़ी जो है वर्ड आधे दिख रहे हैं, तो जहाँ पे मिस्टेक है मैं आपको बता दे रही हूँ, इसके लिए सॉरी। ऑप्शन ए में दिया गया है चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, डी है चित्रों से किताब आकर्षक बनती है। ए दिया गया चित्र बच्चों को आकर्षित करते हैं, ये नहीं होगा। बी है बच्चे विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, ये होगा। सी है बच्चे चित्रों के माध्यम से अवधारणाओं को जल्दी समझते हैं, ये भी करेक्ट है। डी है चित्र से किताब आकर्षक बनती है, नहीं होगा। बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, बी और सी ऑप्शन बी में दिया गया है, ये जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक अध्यापक के लिए बीज का अंकुरण का विषय पढ़ाने के लिए प्रभावी तरीका होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है विद्यार्थियों को एक सजीवक एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए कहना जिसमें साबुत मूंग के बीजों का अंकुरण दिखाया गया हो। बी दिया गया मूंग के बीजों का अंकुरण का चार्ट बनाना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सी है विद्यार्थियों से मूंग के बीजों का अंकुरण करने के लिए कहना तथा अपने अवलोकन रिकॉर्ड करने को कहना। दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है प्रभावी होगा, बच्चे जो है खुद करेंगे, खुद करके सीखेंगे, अवलोकन करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 इस बात पर जोर देती है कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन ए दिया गया हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा देने के माध्यम से। बी है केवल NCERT और राज्य बोर्डों द्वारा तैयार की गई पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा केवल की बात की गई, नहीं होगा। सी है पर्यावरण से संबंधित गतिविधियों में शामिल शिक्षक और शिक्षार्थियों द्वारा, नहीं। डी है विद्यार्थियों के लिए शिक्षकों द्वारा चयनित उपयुक्त गतिविधियों द्वारा। ऑप्शन ए जो है इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, हमारे आसपास के वातावरण, प्रकृति, चीज़ों और लोगों के साथ बातचीत, क्रियाओं और भाषा दोनों के माध्यम से। ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे उपयुक्त विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रकृति के प्रत्यक्ष अवलोकन और प्रकृति और सामाजिक दुनिया में पैटर्न और प्रक्रियाओं को समझने में युवा दिमाग को शामिल करने का माध्यम बनाना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है माता पिता को, बी है साथियों को, सी है पर्यावरण को, डी है शिक्षकों को। माता पिता को नहीं होगा, साथियों को नहीं होगा, पर्यावरण को। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस साल स्कूल के बगीचे से खूब सारे आम इकट्ठा हुए, जूली ने पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5 के पाठ खाएं आम 12 महीने पढ़ाने के लिए इन आमों का उपयोग करने के बारे में सोचा, इस पाठ को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तरीका कौन सा होगा। ए दिया गया है खाद्य प्रसंस्करण इकाई भ्रमण, जिसमें विशेषज्ञ विद्यार्थियों को प्रसंस्करण प्रक्रिया के बारे में बताएं। बी दिया गया है आम खाद्य पदार्थ उत्सव का आयोजन, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा बनाए गए आम के विभिन्न व्यंजनों का स्टॉल लगाएं, ये होगा। ए वाला भी होगा, बी भी होगा, सी देख लेते हैं। खाद्य प्रसंस्करण इकाई के विशेषज्ञ को आपकी कक्षा में विशेषज्ञ वार्ता के लिए आमंत्रित करें, ये नहीं होगा। डी है एक प्रदर्शनी का आयोजन जिसमें आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों को प्रदर्शित किया जाए। ए और बी दोस्तों किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ए और बी ऑप्शन ए में दिया गया है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण हेतु अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है बच्चों को अकेले कार्य करने के लिए अवसर प्रदान करें, अकेले कार्य करने की बात की गई है। बी है बच्चों को कार्य करने में मदद करें, ये भी नहीं होगा। सी है बच्चों को छोटे समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करें, छोटे समूह में। ऑप्शन सी जो है दोस्तों ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन में विषय पाठ जल में जिन महत्वपूर्ण संप्रतियों विषयों पर ध्यान दिया गया है वे हैं। ऑप्शन ए दिया गया है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान। बी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल। सी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, जल का शुद्धिकरण। डी है जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग के लिए,
जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, वर्षा जल संग्रह, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी दोस्तों, जल के स्थानीय स्रोत, जल के उपयोग, लिंग भूमिका, दूरी के अनुमान, सामाजिक भेदभाव, पीने के लिए स्वच्छ जल, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं। ए दिया गया है संवादात्मक, बी है रचनात्मक, सी है योगात्मक, डी है मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं आकलन की प्रकृति की व्याख्या करती हैं। संवादात्मक करेंगी, बी है रचनात्मक, सी है योगात्मक, ए भी होगा, मूल्यांकन नहीं होगा। तो ए, बी और सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए वंशानुक्रम अनुवंशिकता एक अमूर्त प्रत्यय है। एक पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका होना अपने विद्यार्थियों में अनुवंशिकता की समझ पैदा करने के लिए किसका आयोजन करेंगी। ऑप्शन ए में दिया गया हाथों से क्रियाकलाप, बी है भूमिका निभाना, सी है अन्वेषणात्मक क्रियाकलाप, डी है उदाहरणों का विश्लेषण। तो दोस्तों देखिए, किसका आयोजन करेंगे, तो जो है उदाहरणों का विश्लेषण, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके लिए जो है उदाहरणों का विश्लेषण का आयोजन करेंगे, तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान कीजिए। ए दिया गया समावेशित, बी है संदर्भ सहित, सी है अनुभवात्मक, डी है वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित। निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की विशेषताओं की पहचान करना है, तो इसमें जो है ए है समावेशित, ये होगा, बी दिया गया है संदर्भ सहित, ये भी होगा, सी है अनुभवात्मक, ये भी होगा, वैश्विक से स्थानीय विषय केंद्रित, ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है, ए, बी और सी, ये जो है करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे सारे क्वेश्चन जो 23 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, जिसमें से इससे पहले की वीडियो में हम लोग 15 जो कंटेंट के क्वेश्चन थे उन्हें हम लोग सॉल्व कर चुके थे। पेडागोजी वाले क्वेश्चन बचे थे, तो इसे जो है आज हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब अगली वीडियो में जो है अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी दोस्तों इसी तरह अपना लव सपोर्ट बनाए रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।